हेलो भाई, वेलकम बैक गाइस टू अनदर एपिसोड ऑफ एआरके। तो आज से गाइस हम चालू करने वाले अपना अंडर वाटर एक्सप्लोर या फिर अंडर वाटर सीरीज आप कह सकते हो। तो आज के एपिसोड में गाइस अपन टेम करने वाले हैं अपना पहला वाटर डायनो। मतलब हमने पहले भी वाटर डायनो टेम कर चुके, जैसे कि इची की हमने एंड मेगलाडॉन भी अपन टेम कर लिए, लेकिन कोई बात नहीं, वो तो एक एपिसोड थे। लेकिन ये होने वाली पूरी से अलग सी सीरीज, मतलब अलग से नहीं, इसी सीरीज के अंदर यही सीरीज होने वाली है। तो हम वाटर का एडवेंचर शुरू करने वाले हैं, हम वाटर डायनोस अभी से हम टेम करना शुरू कर देंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज के एपिसोड के अंदर मैं एंगलर फिश को टेम करने वाला हूं, जिसके ऊपर सर के ऊपर बल्ब होता है, उसको आज हम टेम करने वाले हैं। एंड वो आपको मिलती है एकदम डीप सी के अंदर, मतलब एकदम समुन्द्र के अंदर गहराई वो में फिश मिलती है। तो आज हम उसी को टेम करने वाले हैं, उसके लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन को चाहिए होगी, वो प्रिपरेशन मैं कर लूँगा। एंड आप अगर आपको नहीं पता कि ये कैसे टेम होती है, ये मीट सेट भी टेम होती है, नहीं तो ये जो अपना पेंगुइन्स होते हैं उनके किबल से टेम होती है, जैसे काइकेर उनका नाम होता है, तो मैंने उनके इम्प्लांट लेके आ चुका था। एंड उससे पहले गाइस पिछले एपिसोड में हमने गीगा को टेम किया था, एंड उसके ऊपर मैंने नाम सजेस्ट करने के लिए बोला था, मेरे को नाम कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करना था। बहुत सारे बंदों ने यार ऐसे अजीब और नाम दिए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हो सकता कोई अच्छे नाम दे देना। लेकिन आज हम गीगा का नाम रखने वाले हैं, मेरे को थोड़ा सा एक अच्छा नाम उसको मिला है, तो वो आज हम रखने वाले हैं। और मैंने गीगास को यहाँ पे रख दिया है ताकि ऐसे ही रखा है, जस्ट मैंने सिंपल ऐसे ही रखा है। तो चलो इनको नाम देते थे फटाफट। तो गाइस यहाँ पे भाई साहब अपने थोड़े सब्सक्राइबर ने हमको नाम दिया, इमोर्टल काइकेरोड गेमिंग, भाई नाम बहुत खतरनाक से रखा है इन्होंने। हमारे गीगा के लिए एक लेना नाम सजेस्ट किया है, लेकिन ये फीमेल के लिए बहुत अच्छा नाम लगा मेरे को, लेना। तो ये कुछ इंग्लिश टाइप का वर्ड लग रहा है, अमेरिकन अमेरिकन वाला, लेकिन ये क्या लेगी मुझे नहीं पता, तो इसको इग्नोर करते हैं, चलते हैं। नाम तो हमने रख लिया है। एंड आज के एपिसोड में हम एंगलर टेम करने वाले हैं, उसको भी मैं नाम सजेस्ट करना, आप वो पता नहीं मेल फीमेल कौन सा आने वाला है, तो आज हम उसी के टेम करने वाले। एंड चलो उसकी थोड़ी सी प्रिपरेशन बाकी है, वो भी कर लेंगे। एंड अभी सोच रहा हूँ मैं खतरनाक सी चीज़ टेम करूँ नेक्स्ट एपिसोड में, शायद से नेक्स्ट या नेक्स्ट एपिसोड में, चलो देख लेंगे, तब के तब देख लेंगे। अभी फटाफट मैं टैपे को अपने ऊपर रखता हूँ एंड चलता हूँ, एक मेरे को किबल्स बनाने उसके फटाफट। तो मैं गया था स्नो बायोम में, वहाँ से मैं थोड़े से काय कह रूँ कि इम्प्लांट लेके आ चुका हूँ, अभी उसके बनाने मेरे को किबल्स। तो उसके लिए सबसे पहले मेरे को यार किबल्स ये होंगे वो ब्रोंटो के, तो चलो फटाफट से मैं ब्रोंटो के यहाँ पे किबल ले लेता हूँ। मेरे पास शायद से ही होंगे ब्रोंटो किबल, नहीं तो मैं दूसरे किबल यूज़ कर लूँगा। ओके ये रहे, मेरे पास ब्रोंटो के भी चार पड़े हुए हैं। एंड गाइज कोई दिक्कत की बात नहीं, फटाफट चार से ही काम चल जाएगा। एंड मैंने यहाँ पे कुछ इसके इम्प्लांट रखे थे, बहुत सारे इम्प्लांट्स, मैं तीन लेके आ चुका था, तीन इम्प्लांट। तो मैं क्या करता हूँ फटाफट तीनों के तीनों इम्प्लांट लेता हूँ एंड चलते टेक केबल प्रोसेसर के अंदर। अगर आपको अभी भी नहीं पता कि कैसे केबल्स बनाते हैं, तो सिंपल से आपको जिस चीज़ का केबल चाहिए उसका एलिमेंट डालना है। एंड भाई ये 30 क्या कह रहे एक केबल्स क्यों दे रहा है मेरे को, हेलो इतने ज़्यादा नहीं चाहिए, हेलो भाई भाई क्या हो गया इसको, जो एक डालते क्या प्रोसेस होता है, ओ हो रहा है भाई, मतलब एक ब्रोंटो के केबल में तुम 15 काइकेरू के केबल मतलब डील कर सकते हो यार, ये डील अपने को एकदम मंजूर है भाई। तो यार 15 काफ़ी हो जाएंगे गाइस, 15 से तो मैं 10-15 एंगल फिश टेम कर लूँगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इन दो इम्प्लांट को यहाँ पे रखते हैं। ब्रोंटो का केबल है उसको हम फिर से रेफ्रिजरेटर के अंदर रख के आते हैं। भाई मुझे पता भी नहीं यार ये इतने केबल मेरे को देने वाला है, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं यार, बहुत सारे अपने पास केबल हो चुके हैं, मतलब 15 केबल अपने पास हो चुके हैं, या वो काफ़ी इनफ है, मतलब इनफ मतलब बहुत ज़्यादा है। एंड गाइस एंगलर का टॉरपोर वो है बहुत जल्दी ड्रेन होता है, मतलब उसका टॉरपोर ड्रेन हाई है, तो आई थिंक 94 बायोटॉक्सिन भी इनफ हो जानी चाहिए। एंड मेरे को एक और चीज़ लेनी है अंडर वाटर एक्सप्लोर के लिए, वो है अपना स्कूबा टैंक एंड स्कूबा चश्मा, ठीक है, तो वो हम लेने वाले हैं। एंड शायद से मैं टेक की कुछ चीज़ें बनाने वाला हूँ अपने इसके मतलब वाटर एडवेंचर के नेक्स्ट एपिसोड में, तो ये मैं लूँ या फिर मेरा जो यूज़ किया हुआ वो कहाँ गया मेरे को ढूंढना पड़ेगा। तो ओके ये है क्या, तो जो मास्टर क्राफ्ट का ही ले देते हैं फटाफट से। एंड मैं जिसका चश्मा कहाँ गया है, मतलब गॉगल्स कहाँ गए इसके, हेलो ये रहे, तो फटाफट से मैं गॉगल्स ले लेता हूँ। एंड फ्रॉक फिट मैं नहीं लेता हूँ क्योंकि मैं उतना मेरे को कुछ काम है नहीं उसका, तो चलो फटाफट से ये पहन लेता हूँ मैं, ये तो पहनना ही पड़ेगा। अगर और गॉगल्स पहन लेता हूँ तो कुछ होता है, मतलब क्या होता है, एक सेकंड, रहने दो भाई, इसको उतार दो, इसका कुछ काम नहीं भाई, कुछ दिख ही नहीं रहे, हाथ कते टेढ़े हो रखे भाई, मतलब क्या है भाई। तो चलो गाइस फटाफट चलते हैं एंड भाई साहब अपने इच्छी के ऊपर, इच्छी को कोई मारता नहीं, अगर आपको नहीं पता है ये इच्छी जो डॉल्फिन रहती है, जो इच्छी तो सौरस नाम से है इस गेम में, इसको यहाँ पे अंडर वाटर में कोई नहीं मारता है, तो आप जाके इजी टेम कर सकते हो। एंड ये पैसिव टेम है,
एंड गाइस एक चीज तो मैं लेना भूल गया, मैं उसको नॉक कैसे करूंगा, पैसिव टीम तो है नहीं वो, तो फटाफट मैं काम करता हूँ, मेरे को यार लेना पड़ेगा टॉक्सिकेंट एरो। तो टॉक्सिकेंट एरो मेरे को कहाँ मिलेगा, अभी डंजन से मैंने बहुत उठा के लाया ना, वही ले लेते हैं फटाफट से। अभी बनाने बैठूंगा तो भाई वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, तो चलो यार एमो बॉक्स में शायद से होंगे थोड़े बहुत। अरे भाई थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा है, तो मैं 50 नहीं लूँगा, 20 ले लेता हूँ, एंड थोड़े से मेरे को और लग रहा है लेने चाहिए, बराबर मैं यहाँ पे इसको इस पर लगा देता हूँ, एंड मेरे को लगता है थोड़ा और से लेने चाहिए और, ताकि भाई कम ना पड़े, ये तो क्या हो गया वहाँ पे टेम करते करते भाई एरो ही खत्म हो गए, तो फिर उससे बड़े बड़े लग जाएंगे अपने, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे हमने ट्रैंक एरोज ले लिए, मतलब ट्रैंक टॉक्सिकेट एरोज ले लिए, अभी चलते फटाफट से अपने इच्छी के ऊपर एंड ढूंढते भाई एक हाई लेवल की एंगलर। शायद से मैं एंगलर दो टेम करने वाला हूँ इस वीडियो में, अगर हो सका तो उनकी ब्रीडिंग करवा के एक को रखूंगा, उसको मैं रखने वाला हूँ, बाकी को मैं शायद से नहीं रखूंगा, क्योंकि मेरे को टेम्स मेरे नहीं बढ़ाने। एंड गाइज मेरे को फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ कि यार वाटर डायनोज रखने के लिए एक अच्छी सी जगह मेरे को सजेस्ट करो, कि मेरे में वाटर डायनोज है वो कहाँ रख सकूँ। एंड फटाफट अभी ढूंढते आपको एंगलर कहाँ मिलेगी, डीप सी में मिल सकती है अंदर की साइड, अभी ढूंढते चलो। यहाँ पे तो कोई नजर नहीं आ रहा भाई, अभी अगर यहाँ पे अल्फा मूसा निकला भाई, मैं सच बता रहा हूँ मैं छोड़ दूंगा, मतलब यार जब ढूंढते तब मिलता नहीं और जब ऐसे ही में मिल जाता है, मतलब वो भाई थोड़ा सा अलग हो जाता है सीन। तो अभी यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे मेरे को ये छोटे डॉल्फिन दिख रहे बहुत सारे, तो मेरे को डॉल्फिन नहीं करने, और ये रहे यहाँ पे दो एंगलर्स है, तो देखते हैं इनका लेवल क्या है भाई फटाफट से, तुमका लेवल क्या है, और ये मारेगी नहीं अपने को, अटैक नहीं करेगी बिकॉज अभी हम इच्छी के ऊपर है। तो चलो अभी यहाँ पे भाई साहब यहाँ पे तो है नहीं हाई लेवल के, तो भाई अभी मैं ढूंढता हूँ एक हाई लेवल का एंगलर, आपको वहीं पे मिलते हैं, क्योंकि यार ढूंढने जाएंगे तो इसे बहुत टाइम लगने वाला है। चलो गाइस फटाफट से ढूंढते हैं, मिलते हैं आपको वहीं, एंड चलो गाइस। एंड मेरे को यहाँ पे पास में एक हाई लेवल के एंगलर मिल चुके हैं, एंड इसको आज अभी हम टेम करने वाले फट। अरे भाई मेंटा यार तुम कहाँ आ गई भाई, तुमको हमें किसी बुलाया भी नहीं भाई, तुम कहाँ आ गई। तो यहाँ पे मेंटा मुंटा आ रखी है, एंड चलो भाई अभी इसको ध्यान नहीं देते हुए अपन इसको नॉक करते हैं। ओके ये मेल है एंड 115 लेवल की, इससे ज़्यादा मेरे को मिली नहीं भाई, बाकी सारे एंगलर्स थे वो मैं भाई 14 कभी 16 कभी 45 इतने मिल रहे थे, और ये मेरे को 100 लेवल की मिली, तो इसको अभी हम नॉक करने वाले हैं। इसके लिए फीमेल भी ढूंढनी पड़ेगी, तो चलो फीमेल भी ढूंढ लेगी, फटाफट इसको नॉक करते। भाई सच्ची में ये नॉक टेम है ना, मतलब पैसिव टेम तो नहीं ना, मैं कतई मेरा दिमाग कंफ्यूज हो रहा है अभी। बस यहाँ पे कोई दूसरा जानवर ना आ जाए, वैसे मारेगा तो नहीं मेरे को क्योंकि मैं इच्छी पे बैठा हूँ, तो भी ऊपर मेरे को मैगलाडोन दिख रही है। एंड भाई साहब इसका एंगल गलत भाई, गलत ही एंगल भाई पकड़ते ही है। ओके फटाफट से क्या करता हूँ मैं, इसको नॉक करता हूँ भाई, ये कहीं पे भाई ऐसी जगह ना नॉक हो जाए जहाँ पे भाई प्लीसियो बीसियो वगैरह हो उसे मेरे को। अरे भाई कौन मार रहा है भाई, इसकी भाई बहन आ गए मारने के लिए मेरे को। एंड अरे यार मतलब भाई ए भाई ए थोड़ा नीचे देखना, एंड इसका अभी बल्ब जलने लगा है, पता नहीं अभी क्यों जलने लगा है बल्ब को। एंड यहाँ पे ऊपर दो मैग्नेटोन मेरे को दिख रही है, चलो भाई एक तो लग जाए। हेलो ये भी मिस भाई, ये भी मिस, अभी मैंने तो देखा नहीं डोडो डेक्स पे ये कितने अभी डार्ट्स, मतलब डार्ट्स तो नहीं है नॉक होगा, पर लेकिन देखते भाई नॉक कब होती, मुझे नहीं पता कब नॉक होगी। एंड मैं वाटर डायनोस सबसे पहली बार टेम कर रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ एंगलर में सबसे पहली बार टेम कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता। एंड भाई सब चलो, एंड भाई नॉक, अरे भाई ये भाई इसका चचेरा भाई आ गया, ओ भाई दो तीन आ गए। हेलो हेलो रुको 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 भाई रुको जरा सबर करो, एंड भाग क्यों रहे लोग, आई थिंक इनका भाई ये डरते बहुत। अरे भाई रुक जाओ भाई, ये भी भाग गए भाई, सही बात है भाई, इनको थोड़ा सा मारते ये लोग भाग जाते हैं, पता नहीं क्यों इनका बिहेवियर ऐसा है, थोड़ा आप इसको झापड़ भी मार दोगे तो ये भाग जाएंगे। तो यहाँ पे हो चुके हैं अनकॉन्शियस, अभी इसको हम डालते केवल हम लेके आ चुके हैं नीचे, मेरे को मैग्नाडोन दिख रही है, अभी मैं उतरूंगा तो ये मेरे पे अटैक डेफिनेटली करने वाली है, तो उससे अच्छा है मैं इसको जाके मार दूँ। तो चलो फटाफट इसको जाके हम मार देते हैं, एंड चलो मैग्नाडोन आ जाओ इधर भाई, लगा 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 भाई भाई, हेलो लग जा हेलो, ओके ओके रुको रुको, लगता है थोड़ा सा घूमना पड़ेगा इसके लिए भाई। अरे भाई मैं घुमा था, तू क्यों घूमी भाई, घुमा घूमी मुझे नहीं पता कौन है ये, मैं ले जा घुमा। अच्छा भाई लग क्यों नहीं रही, हेलो एक सेकंड ओ फाइनली मैग्नाडोन उसकी डेड, एंड इसको फटाफट से मारते हैं, इसका थोड़ा खाने का बंदोबस्त भी हो जाएगा, एंड ये खत्म हो चुकी है। एंड ऊपर ऊपर एक और मैग्नाडोन थी, कैसे मेरे को हल्का क्यों लगा, ओके नहीं है चलो फटाफट इसको टेम करते गए, जब चलते भाई भाई तू, अरे भाई मेरे को लगा ही था, तो इसको मारते फटाफट। अरे भाई रुक, एक सेकंड होल्ड कर मेरे पोजीशन तो लेने दे, हेलो भाई पोजीशन तो, तू हवा में तलवार चला ले भाई, रुक जा एक सेकंड, मेरे को पोजीशन लेनी पड़ेगी फटाफट से, नहीं तो ये मेरे को धो डालेगी। अब आ जा देखो, दो शॉट में डालूंगा मैं, बस दो शॉट में, ओके भाई क्यों घूमती बार बार, रुको मैं ही उतर के इसको मारता हूँ, इजी जाएगा, बस कोई दूसरा भाई तो कुछ नहीं कर पाएगी मेरे को, कोई दिक्कत की बात है। चलो इसको भी हमने मार दिया, इसको मैं फॉलो पर डाल देता हूँ ताकि ये कहीं घूम ना जाए, नहीं तो पता क्या हो जाता है कई बार ये इसको अगर आप न्यूट्रल पे छोड़ते तो इसके चक्कर में ये कहीं घूम जाती है, तो भाई दिक्कत आती है अपने को। तो फटाफट यहीं पे मैंने नॉक किया था इसको, ये रहा है
चलो इसके अंदर किबल डालते हैं एंड इसको तौर पर तो ठीक है, चलो इसके तौर पर ठीक है, तो भी थोड़ा सा इसको खिला देते हैं, मन 17 डाल देते हैं फिलहाल के लिए एंड 15 किबल डाल देते हैं, 15 किबल कुछ ज़्यादा नहीं हो गए तो चलो इसी पर 15 में से थोड़े किबल निकाल लेते हैं बाद में, तो 8 निकाले 7 डाल दिए इसके अंदर मैंने। चलो अभी वेट करते हैं भाई, ये जल्दी से टेम हो जाएगी, 2 किबल में शायद से 2 या 3 किबल में शायद से टेम हो जाएगी, मेरे हिसाब से लग रहा है कि 2 एक ही किबल में हो जानी चाहिए भाई, इसका किबल दिया है मैंने, कुछ इज्जत रख रही किबल की। चलो भाई अभी थोड़ा बहुत हमने यहाँ पे एक्सप्लोर कर लेता हूँ मैं मेरे ऑफलाइन में एंड उसके बाद मिलते हैं, कितने टेम होती है एंड क्या होती है इनसे क्या यूज़ है मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट में। चलो गाइस अभी ये खाने वाले पहला किबल, यार लिटरली 16% यार एक किबल से यार, अभी मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे को बार बार अभी सूदिंग माम करना पड़ेगा। तो गाइस यार मैं चाहता हूँ कि अभी क्या कुछ करें अपन, तो गाइस किस किस को यार सूदिंग माम का एपिसोड चाहिए कि भाई सूदिंग माम कैसे फार्म करें सोलो में, अगर उसके पास एपिसोड चाहिए तो लाओ मैं जल्दी से फटाफट से एपिसोड उसके ऊपर लेके आ जाता हूँ। एंड आज शायद से आर का अपडेट आ गया होगा या फिर आने वाला होगा मुझे नहीं पता, शायद से 9 तारीख को आने वाला था, आज 10 तारीख है जो मैं आज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो चलो देखते हैं। इसका टावर पर भी थोड़ा मैं बहुत में बढ़ा देता हूँ क्योंकि इसका टावर पर थोड़ा डाउन हो चुका है एंड चलो भाई तू टावर पर चढ़ा एंड भाई चलो अभी इसको टेम होने देते हैं भाई, इसको बहुत मैंने जितना सोचा था उससे तो कुछ ज़्यादा टाइम ले रहा है एंड चलो अभी क्या ही कर सकते हैं भाई, पानी में रात गुजारनी पड़ेगी पूरी की पूरी। चलो गाइस मिलते हैं आपको थोड़ी देर में यार। गाइस सुबह से दिन हो चुका है यार, ये 2 किबल अभी खाने वाली है, आप देख सकते हो स्क्रीन में, दिन में टेमिंग करने के लिए था, रात हो चुकी है अभी, ये भाई कितनी परसेंट हुई है, सिर्फ और सिर्फ 15। इसका लाइट भी चालू है, पता नहीं इसका लाइट क्या काम करता है एंड ये कुछ हो चुकी है 32.9% भाई, मतलब सही बोल रहा हूँ, इसके 2-3 दिन का टेम करने में लगने वाले हैं, तो अभी क्या ही कर सकते हैं। सामने मेरे को एक हल्का सा एक प्लीसियो दिखा था तो मैं पीछे आ गया था, कहीं उससे पंगे मेरे को नहीं लेने अभी फिलहाल के लिए, तो चलो उसको भी हम टेम करने वाले हैं एंड लेट्स गो, अभी चलते इसको वेट करते हैं बहुत ज़्यादा भाई। तो गाइस पूरा रात हो गई, दिन से रात हो गया, रात से दिन हो गया एंड भाई साहब इसको टेम होने का नाम नहीं ले रही, तो चलो गाइस अभी फाइनली अपनी इच्छी टेम होने वाली है एंड नहीं क्यों, अरे मैं पगला गया भाई साहब, इसका 2% रह गया भाई। गाइस सच बता रहा हूँ आपको, इसको टेम करते करते मेरी हालत पतली हो गई भाई, कितना टाइम लगा इसको टेम होने में। चलो गाइस फाइनली अपनी एंगलर फिश जो है टेम हो चुके हैं, आपको बोल दूं मैं इसको, इसके लिए सैडल नहीं लगता है ये, मतलब ये बेसिकली थाइलोकोलियो की तरह नहीं है, सॉरी थाइलोकोलियो नहीं, कौन है भाई जो बिना सैडल का बैठता है, डायरुल्फ, हाँ ये डायरुल्फ की तरह इसे सैडल नहीं लगता है। इसके स्टैट्स ठीक है, मतलब इसके हेल्थ 2.3 के, वेट भी इसका अच्छा है एंड चलो इसको फॉलो मारते फटाफट से एंड लेके चलते भाई, आ जा मेरे पीछे पीछे आ जा तू इच्छी, क्योंकि घूमे नहीं इसको भाई, दांत देखो इसके दांत देखो। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ कि एंगलर क्या काम आती है, तो गाइस आपने देखा होगा कि कोई भी प्लेटफॉर्म सैडल आपको बनाना होता है तो अभी आपके लिए बहुत सारा सिलिका पल्स लगता है, तो एंगलर उसी के लिए काम आती है। अगर आप एंगलर से सिलिका पल्स जो कि ऑयस्टर होते हैं उसको आप फार्म करते हो तो ये बहुत सारा ऑयस्टर ड्रॉप करती है एंड जब किस्मत साथ नहीं देती होती ना, अभी एक भी मेरे को भाई वो इलेक्ट्रो फॉर्मस आ रहा है मुझे, क्या पता भाई वो मार देगा मेरे को, रुको फटाफट भागने दो। तो भाई ये सिलिका पल्स बहुत अच्छे से फार्म करती है एंड सामने डंकी ले उसको इग्नोर मारते हैं एंड गाइस अगर इसको आप हार्वेस्ट करते हो, एंगलर फिश की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपको ढेर सारा एंगलर जेल मिलता है, तो आप इसको मार के एंगलर जेल भी फार्म कर सकते हो अगर आपको नहीं पता तो। एकेटिनस को मार के 2-3 मिलता है, लेकिन इसको आप मारोगे थोड़ा अंडर जाके तो आपको बहुत सारा मिल जाएगा एंड यहाँ पे मैगडोन मेरे पे एग्रो हो रहे हैं एंड अभी मैं एक ऑयस्टर ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अभी मेरे को एक भी ऑयस्टर नहीं मिलने वाला। जब आप कोई चीज़ ढूंढने जाते हो ना तब कोई चीज़ नहीं मिलती यार, ये 100% प्रूफ मतलब है ही, मतलब ये चीज़ है ही। तो एक काम करते हैं फटाफट से वो ढूंढता हूँ मैं ऑयस्टर है आपको मिलता हूँ, बहुत सारे ऑयस्टर होते हैं, ऐसा नहीं कि रेयर होते अपन जब ढूंढने जाते तब मिलते ही नहीं भाई, क्या ही कर लेंगे अपन। चलो गाइस फिर ढूंढते यार। तो गाइस फाइनली मेरे को यहाँ पे मिल चुका है ऑयस्टर, तो आप देख सकते हो इसको बोलते हैं ऑयस्टर एंड जैसे आप इस पे अटैक करके फार्म करवाते हो भाई कर जा, तो अपने को 61 बार 65 मिलते हैं, आप हाथ से कलेक्ट करते हो तो आपको प्रोबेबली 12 या 13 मिलते हैं, तो ये अच्छा है फार्म करने के लिए मतलब सिलिका पल्स, तो एंगलर को इस यूज़ में कर सकते हो या फिर एंगलर भाई ये क्या है, हेलो भाई डरादियन डॉल्फिन के ग्रुप ने भाई कतई, मतलब ऐसा लगा मेरे को 4-5 मेगाडोन मेरे पीछे लग गई है। तो गाइस चलो अब इसको बेस में लेके चलते हैं, इसके लिए अच्छा सा नाम सजेस्ट कर देना आप, अभी यहाँ से बेस थोड़ा सा दूर है तो चलते हैं बेस की तरफ एंड देखते हैं भाई इसका क्या नाम रखने वाले अपन, अभी तो नहीं रखने वाले अपन देखते चलो। तो गाइस मैं आ चुका हूँ बेस के अंदर एंड इसका लाइट देखो क्या चमचमा रहा है एंड गाइस कमेंट सेक्शन में इसके अच्छे अच्छे मेल नाम आ जाने चाहिए एंड इसके
सिलिका पल्स में इसके इन्वेंट्री में रखता हूँ। एंड थोड़ा सा चांसेस है कि ब्लैक पल भी फार्म करती है, इसके लिए आपको वो केकड़े वेकड़े मारने पड़ते हैं एंड भाई उससे आप दूर ही रहना क्योंकि वो बहुत गंदा टावर पर देते हैं। एंड इसका लाइट देखो क्या चमक रहा है, रात को भी इसका लाइट बहुत ज़्यादा काम आता है क्योंकि चमकता रहता है। तो चलो इसको न्यूट्रल कर देते हैं। एंड गाइस वो आपका आज का वीडियो पसंद आ चुका होगा, एंड अगर आपको आज का वीडियो पसंद आ चुका होगा तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना मत भूलना। एंड गाइस कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर आपको सूदिंग का और एपिसोड चाहिए कि कैसे आप सूदिंग का फार्म कर सकते हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ जरूर। एंड नेक्स्ट एपिसोड में मैं क्या टेम करूँ ये भी कमेंट सेक्शन में बताना चाहिए, मतलब कमेंट करो, कुछ भी करो कमेंट करो। एंड चलो अभी तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड बाय।